राजस्थान में मचा सीआईसी घमासान, कांग्रेस को मिला दिग्गज नेताओं का साथ। भाजपा में मचा हड़कंप, कांग्रेस समर्थकों में आई जश्न की आंधी। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई है और राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालरा पाटन में अपनी पद यात्रा शुरू की है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एकजुट कर सीआईसी संदेश दिया है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार किसी कांग्रेस शासित राज्य में पहुंची है जहां बीजेपी विपक्ष में है और अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा के ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केंद्र शासित राज्य राजस्थान में एंट्री की है और ऐसे में सबसे ज्यादा यात्रा को सफलता मिलने की उम्मीद राजस्थान से ही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लगभग 18 दिनों तक रहेगी। बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा का आगाज बीजेपी की दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालरा पाटन से किया और इस तरह से कांग्रेस ने वसुंधरा के गढ़ से पद यात्रा कर साफ सियासी संदेश देने की कोशिश की है। बता दें कि झालावाड़ इलाका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। पिछले 9 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है। 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और 4 बार उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद हैं और वसुंधरा राजे अभी भी झालरा पाटन से विधायक हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस वसुंधरा के गढ़ में अपना झंडा लहराने में कामयाब रहेगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।